क्वेश्चन नंबर सिक्स समझिए। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका हाइट दिया हुआ है 1 मीटर, कैपेसिटी दिया हुआ 15.4 लीटर, तो जो कैपेसिटी हुआ वही वॉल्यूम हुआ। आप देख समझिए, बताए थे ना 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर था, 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर था। उल्टा लिखिए, 1000 लीटर में 1 क्यूबिक मीटर था, तो 1 लीटर में कितना होगा, 1/1000 क्यूबिक मीटर होगा। तो 1 लीटर में 1/1000 हुआ, तो समझिए अगर क्यूबिक मीटर से लीटर में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और लीटर से अगर क्यूबिक मीटर में जाना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है 15.4 लीटर, तो ये 15.4 हुआ, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो क्यूबिक मीटर में बदल जाएगा। यहाँ से समझिए ना, 1 लीटर में 1/1000, तो 15.4 लीटर है, तो 1/1000 × 15.4, तो एक तरह से क्या हुआ, डिवाइड ही ना हो रहा है। देखिए ना 15.4 ऊपर है, 1000 नीचे है, तो डायरेक्ट 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये क्यूबिक मीटर में बदल जाता है। जान लीजिए आज के बाद, जो वॉल्यूम आपका हो गया इसका भी डेसिमल हटाइए, 154 बाय इतना क्यूबिक मीटर हुआ। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, तो मीटर में कह रहा है, चलते हम लोग सब मीटर में। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो वॉल्यूम तो आपका दिया हुआ है 154/10000, पाई 22/7, आर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, हाइट 1 दिया हुआ है, सब मीटर में है। ये आपका क्यूबिक मीटर हुआ, ये आपका मीटर हुआ, तो 154/10000 22/7 आया, 7/22, और 1 आएगा तो 1 ही ना होगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, यहाँ क्यूबिक मीटर है। तो देखिए ये कट गया 7, 7 + 7 49 हो गया, ये नीचे 10000 हुआ, अब मीटर है या क्यूबिक मीटर है, तो m4 हो जाएगा, m का पावर 3 आया, m4 हो जाएगा। अब उसका स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर रूट चलाएगा 49। अच्छा 1 मीटर है ना, तो उल्टा है नीचे, सॉरी ऐसे आ जाएगा, यूनिट नीचे चलाएगा, तो m3 है, m है, 3 में से 2 पावर 2 हो जाएगा, इधर से 22/7 है तो इधर पलट के ना आया, तो 1 मीटर है तो उसी तरह पलट जाएगा, तो मीटर नीचे रहेगा, और ऊपर है एम क्यू, नीचे एम है, तो एम से एम क्यू पावर घटेगा ना, तो 3 में से घटेगा तो 2, तो 49/10000 एम स्क्वायर, मतलब स्क्वायर मीटर। तो देखिए निकालिए, 49 निकलेगा तो 7, आई 10000 है तो निकलेगा 100 मीटर, तो यही आपका रेडियस हो गया 0.07 मीटर, है ना। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं कुछ मिस्टेक हो तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो रेडियस आपका निकल गया 7/100 मीटर। अब पूछा है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, मतलब एकदम ऊपर नीचे क्लोज है, तो क्लोज है तो आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr × r + s, तो 2 हो गया, 22/7π हो गया, रेडियस 7/100 ही पुट करते हैं, रेडियस 7/100, हाइट तो 1, सब मीटर में जा रहा है, ध्यान दीजिए, तो लास्ट में लिख दीजिए स्क्वायर मीटर, ये कट गया 44/100, आई कट लीजिए 107/100 स्क्वायर मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और नीचे 1, 2, 3, 4 0 है, तो 4 डिजिट के इधर डेसिमल बैठा लीजिए, देखिएगा कैलकुलेशन करके आंसर मिल जाएगा क्या क्या नहीं, तो बुक में आंसर है उसके हिसाब से अपना कर लीजिएगा। तो चूंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, तो ये चलते ही हम लोग सबको मीटर में रख लिए, है ना, नहीं तो सेंटीमीटर से भी कर सकते हैं, लास्ट में फिर चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर लीजिएगा इसको कंप्लीट, देखिएगा बुक का आंसर क्या है उस हिसाब से कर लीजिएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से समझिएगा, 7वां क्वेश्चन में एक पेंसिल है, देखिए पेंसिल को अगर छीलते नहीं है तो जनरली सिलेंड्रिकल ही एज्यूम करना है इस क्वेश्चन में, तो एक पेंसिल है सिलेंड्रिकल, देखिए अगर उसको शार्प करेंगे तब ना ये नोखी बनेगा, जो काला काला उसमें रहता है उस ग्रेफाइट का रहता है, तो छील देंगे तब ना, अगर मान लीजिए उसको नहीं छीले हुए हैं तब, तो ऐसे ही इसको एज्यूम करना है सिलेंड्रिकल रहेगा। तो कह रहा है कि एक पेंसिल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 7 mm, तो डायमीटर दिया हुआ है मिलीमीटर में, तो 2 से भाग कर दिए तो रेडियस होगा, डायमीटर को 2 से भाग करेंगे तो रेडियस होगा, और 10 से भाग कर दिए तो ये cm में बदल गया, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना है, तो मिली सेंटी 10 से आपको डिवाइड करना होगा, तो 7/20 cm हो गया, ये रेडियस हो गया,
पेंसिल का हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालिए। तो सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर हो गया 7/20 इंटू 7/20, हाइट हो गया 14। अब इसको कर लीजिए, दो से कटेगा 11, तो हो गया 11, और दो से ही कटेगा 7 बार में, तो 10 दही है 100, 7/100, 7 × 49, 49 × 4, 9 × 4, 5, 5.39 स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर आया। इसको कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं ना। 11 और यहाँ से ही कटेगा दो से, 10 बार में 7 बार में, यो कटा 10, तो 10 दही है 100, 77 × 7, 77 × 4, 4, ये पेंसिल का वॉल्यूम निकल गया। अब ध्यान से सुनिए, इसको हम इधर लिख देते हैं, पेंसिल का वॉल्यूम है, इसका जरूरत पड़ेगा। अच्छा, पेंसिल किस चीज से मिलकर बना हुआ है, आप सोचिए थोड़ा सा। पेंसिल में आपका लकड़ी है और ग्रेफाइट है ना, ये पूरा पेंसिल है, तो बीच में जो पतला, देखिए ब्लैक वाला जो रहता है वो भी सिलेंड्रिकल शेप का ही रहता है, तो ये बीच में जो ये बना हुआ है ना, ये देखिए इसको हम ब्लैक ब्लैक कर देते, ये ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट जो है ना उसको भी सिलेंड्रिकल ही एज्यूम करना है। तो पेंसिल आपका क्या है, ध्यान से समझिए, पेंसिल, तो पेंसिल में आपका लकड़ी है और प्लस ग्रेफाइट है ना, लकड़ी और ग्रेफाइट दोनों से मिलकर ना पेंसिल बना है। तो क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम पूछा है किसका, लकड़ी का और ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लिए, देखिए पेंसिल का निकाल लिए ना हम लोग, 5.39 पेंसिल का वॉल्यूम आया ना, अब ग्रेफाइट का निकाल लेंगे हम लोग, ग्रेफाइट का निकालेंगे, और अगर पेंसिल में से ग्रेफाइट को इधर लाके माइनस कर लेंगे तो उधर बचेगा ना। ध्यान से देखिए, पेंसिल में लकड़ी प्लस ग्रेफाइट है, तो अगर वुड को इधर ले आइएगा, इक्वेशन से इस पट्टी वुड ले आइए तो माइनस में आएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम क्या हुआ, पेंसिल माइनस वुड। अच्छा, ग्रेफाइट को ही इस तरफ ले आइए, उल्टा हम कर दिए, ग्रेफाइट को इस तरफ ले आइए तो इधर क्या बचेगा, वुड बचेगा ना। पेंसिल में से ग्रेफाइट अगर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, वुड बचेगा। तो क्वेश्चन में आपसे वुड का वॉल्यूम पूछा गया, तो वुड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालते हैं, पेंसिल का तो निकल गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, ग्रेफाइट का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, इसको छोटा आर से डिनोट करते हैं, 1 mm है डायमीटर, तो 1/2 होगा, और 10 से डिवाइड कर दीजिए तो cm में हो जाएगा। हाइट, तो हाइट जो देखिए, हाइट 14 है शायद, तो जो पेंसिल का हाइट होगा वही ग्रेफाइट का भी हाइट होगा, क्योंकि शार्पन नहीं किया हुआ है, तो दोनों लेवल में है, ज्यादा दिमाग ना लगाना है। वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, रेडियस, तो रेडियस कितना हो गया, 1/20 × 1/20, हाइट, तो हाइट 14 हो गया। अब इसको भी काटिए, 7 × 14, 10 × 11, 10, तो हो गया 11 × 22/100, 0.22 आ गया। ये वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट चला है, देखिएगा कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगा तो सुधार लीजिएगा। तो ये निकला वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, और ये पेंसिल का वॉल्यूम निकला हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ वुड पूछा गया है, तो एक लाइन ऐसे लिख दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ये ऐसे एक लाइन बना के लिख लीजिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल क्या है, 5.39, और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट 0.22, तो इसको माइनस कर लीजिए, 5.17 आया, तो यही वुड का वॉल्यूम निकल गया है ना। तो इसमें यही समझना था कि पेंसिल है, पेंसिल में आपको ये सब लकड़ी है और बीच में ग्रेफाइट है, तो पहले पूरा पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लीजिए और फिर ग्रेफाइट का निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन में ग्रेफाइट का भी पूछा है, तो एक आंसर तो ये होगा, और फिर वुड लकड़ी का पूछा है, तो लकड़ी के लिए आपको पेंसिल का वॉल्यूम, मतलब पूरा पेंसिल में से ग्रेफाइट वाला माइनस कर लेंगे तो वुड का बचेगा। तो देखिएगा कहीं कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हुआ हो तो उसको सुधार लीजिएगा, है ना, देखिएगा बुक से आंसर मैच कर लीजिएगा। तो चलिए बाकी का क्वेश्चन अब अगले वीडियो में, ठीक है, ओके।